आज देखिए ईवी मॉडल है आपके सामने खड़ा है, तो दोस्तों समझ गए होंगे आज भी हम अपने ईवी मॉडल जो है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल बजाज का, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सबको बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपने चैनल को इतना प्यार दिया है। और उससे पहले वाला जो दोस्तों मैं फुल रिव्यू का वीडियो लेकर आया था और उस वक्त आपका बहुत सारा प्यार मिला है, लाइक मिला है, कमेंट मिला है, उस सबके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों को बोलना चाहूंगा। तो दोस्तों आज की हम जो वीडियो है ये हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ही वीडियो है, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दोस्तों अच्छा लगे पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करिए। दोस्तों मैं हूं इमरान अहमद मनोरम ऑटो दागरा से और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इमरान ऑटो टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो है ये हम बात करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। इससे पहले दोस्तों जो गाड़ियाँ आती थी वो आइस इंजन की गाड़ियाँ आती थी, यानी डीजल सीएनजी पेट्रोल वगैरह से चलने वाली गाड़ियाँ आती थी, उसे बोला जाता था दोस्तों आइस इंजन। ये जो गाड़ी है दोस्तों ये हमारा ईवी मॉडल है, ईवी मॉडल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर और उन गाड़ियों के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ अंतर होते हैं, वही दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो काम दोस्तों हम आइस इंजन के अंदर किया करते थे वो काम हमें इसमें क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या चीजों को हमें इसमें दोस्तों चलाने से पहले हमें उन चीजों में सावधानी बरतनी है जिससे कि हमारी गाड़ी की लाइफ बढ़ सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को देर ज्यादा ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें इसमें गाड़ी में करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो दोस्तों कोशिश हमें ये करनी है कि हम इस गाड़ी के अंदर वेल्डिंग का काम नहीं कराएं। सबसे पहला इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें आप कि हमें इस गाड़ी के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं करानी है, बिल्कुल नहीं करानी है दोस्तों, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस उसके बाद भी आपको लगता है कि 1% बिना वेल्डिंग कराए आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, आप नहीं चला पाएंगे उसे और आपकी मजबूरी है कि उसमें वेल्डिंग करानी ही करानी है, तो भी दोस्तों फिर मैं आप लोगों की एक आगे हेल्प करने के लिए मैं थोड़ा सा एक पॉइंट नोट कर देता हूँ। वैसे मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप वेल्डिंग बिल्कुल ना कराएं, लेकिन अगर आप फिर भी वेल्डिंग कराते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, तो उस वेल्डिंग को कराने से पहले एक काम हमें जरूर करना है। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ हमारा ये 4 वोल्ट का देखिए कवर आता है दोस्तों, ये प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट को हमें यहाँ ओपन करना है। प्लेट ओपन करने के बाद हमें यहाँ दोस्तों एक छोटा बैटरी मिलेगा जिसे बोला जाता है ऑक्सिलरी बैटरी। उस बैटरी को दोस्तों 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो जब भी दोस्तों आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कराने जा रहे हैं ध्यान रखिए इग्निशन स्विच यहाँ पर जो है हमारा ऑफ होना चाहिए, ये मेरा स्विच बिल्कुल बंद होना चाहिए, चाबी आपकी जिम में होनी चाहिए। सेकंड नंबर इस प्लेट को आपको ओपन करना है। प्लेट को ओपन करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया 2 टर्मिनल मिलेंगे प्लस और माइनस, तो सबसे पहले हमें जो टर्मिनल खोलना है वो माइनस वाला यानी कि ब्लैक वाला अर्थ वाला वायर सबसे पहले खुलना है बैटरी पे से, टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करना है। सेकंड नंबर जो मेरा प्लस वाला है पॉजिटिव रेड वाला, फिर उसको बाद में ओपन करना है। हमेशा दोस्तों ध्यान रखें जब भी आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं कपलर उसके, तो पहले माइनस वाला करना है। माइनस वाला इसलिए कराया जाता है जिससे कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो, अगर आप प्लस वाला कर देंगे बॉडी में अर्थ रहता है काफी ज्यादा, गलती से अगर वो दोस्तों प्लस वाला वायर आपका बॉडी से कहीं टच हो गया तो वहाँ शॉर्ट सर्किट के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हमेशा पहले माइनस वाला हमें ओपन करना है उसके बाद प्लस वाला ओपन करना है। ये हो गया दोस्तों पहला पॉइंट। दोस्तों यहाँ से आपने अपना बैटरी का टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर दिया ऑक्सिलरी बैटरी का, जो छोटी वाली बैटरी मेरी होती है। एक चीज का ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों, जो हमारा ड्राइवर सीट होता है इसके नीचे दोस्तों मेरा यहाँ पर जो बड़ा वाला मेन बैटरी लगा है, इससे दोस्तों हमें कभी भी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसके टर्मिनल होते हैं, लेकिन दोस्तों इन टर्मिनलों को हमें कभी भी नहीं खोलना है, कभी भी ओपन नहीं करना है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, किसी कपलर को यहाँ पे हमें डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना प्लस वाला निकालना है ना माइनस निकालना है, ना कोई कपलर आपको निकालना है, ना यहाँ से कपलर निकालना है, ना पीछे से कहीं इंजन पे से आपको कोई कपलर निकालना है जब भी आप वेल्डिंग का काम करा रहे हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेल्डिंग का काम जितना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करेंगे गाड़ी की लाइफ उतनी ही सालों साल बढ़ जाएगी। और मेरी दोस्तों यही सलाह रहेगी सभी ड्राइवर भाइयों के लिए, सभी ओनर के लिए, गाड़ी ओनर के लिए, कि आपकी जो गाड़ी है सालों साल चले, लंबी चले, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हो, तो उसके लिए दोस्तों प्रिकॉशन हमें बरतना जरूरी है, सावधानी बरतना हमें जरूरी है। तो इसलिए कभी भी आप इन टर्मिनल के साथ, यहाँ पर जो कपलर है इनके साथ, या इस कवर को खोलने की कभी कोशिश ना करें और कभी इसे नहीं खोलें आप। हो गया जो मैंने आपको सेफ्टी पर्पज से बताया है कि हमें कभी भी क्या कहें वेल्डिंग कराते समय किस किस चीज का ध्यान रखना है, कोशिश करें वेल्डिंग ना कराएं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप फिर भी कराते हैं आपका काम उसके बिना नहीं चलने वाला है, तो किस तरीके से आपको वेल्डिंग करानी है और किस चीज का ध्यान रखना है, वो मैंने आपको पहला पॉइंट नोट करा दिया। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों सेकंड पॉइंट की। गाड़ी के अंदर हमारी अच्छी खासी हेडलाइट मिलती है, हॉर्न भी हमें अच्छा खासा दिया हुआ है, एसेसरीज काफी अच्छी सारी है, तो दोस्तों मेरी सलाह यही रहेगी आप लोग उसमें अलग से कोई एक्स्ट्रा फिटमेंट एसेसरीज में ना कराएं इलेक्ट्रिक पार्ट्स को लेकर। जैसे मान लीजिए कोई आपका बैग है बड़ा हैवी लगा लेते हैं, या और एक्स्ट्रा लाइट लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा हॉर्न लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो ड्रॉप हो जाएगा, रेंज आपको फिर कम मिलेगी, तो दोस्तों बैटरी की आपकी लाइफ उससे कम होगी। तो अवॉइड करें जितना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कंपनी ने फिटेड करके दिया है सिर्फ खाली उसी का इस्तेमाल करें, और कोई अलग से एक्स्ट्रा
एसेसरीज आप इलेक्ट्रिक को लेकर इसमें ना लगाएं। दूसरा दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, आप जैसे इसमें म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहते हैं जो अपना आता है छोटा वाला, तो देखिए उसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर दो स्पीकर के लिए स्पेस दिया हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक मेरा यहाँ राइट हैंड साइड में। कंपनी ने खुद प्रोवाइड कराया है कि आप इसमें छोटे वाले अपने स्पीकर यहाँ इंस्टॉल करा सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप अपना जो म्यूजिक सिस्टम है उसका जो कनेक्शन कराएंगे, एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी किसी भी वायरिंग के कपलर में ऊपर से अपन को फिट नहीं कराना है, किसी कपलर को कट नहीं करना है, किसी वायर को कट नहीं करना है। उसके लिए देखिए दोस्तों, तो कंपनी पहले से ही यहाँ पर देखिए ये स्विच देती है, जी आप देख पा रहे हैं 1000 स्विच के जस्ट बराबर से है, जिसपे एक व्हाइट कलर का पॉइंट लगा हुआ है। ये दोस्तों इसलिए होता है कि हम जो अपनी गाड़ी के अंदर छोटा वाला जो हम बैग लगाते हैं, स्टीरियो सिस्टम लगाते हैं, उसका कनेक्शन यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वायर दो दिए हुए हैं, ये पिन हमारी इस स्विच में बैठ जाएंगी यहाँ, और उसका कनेक्शन यहाँ से होके यहाँ पर देखिए स्विच सॉकेट आता है, कपलर देती है कंपनी एक्स्ट्रा, उस कपलर को दोस्तों हमें कनेक्शन देना है। वायरिंग में कहीं से कोई कट करने की, वायरिंग को कहीं से छीलने की, कहीं से काटने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको उसमें मिल जाती हैं। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को लेकर सावधानी हमें बरतनी है, क्योंकि हमारी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, कहीं से कोई वायर कट नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस कभी कोई फ्यूज भी शॉर्ट होता है, फ्यूज खराब होता है, तो कभी हमें उसमें तार नहीं बांधना है, हमेशा वहां पे हमें फ्यूज ही रिप्लेस करना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों सेफ्टी पर्पज से जो मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों तीसरा पॉइंट की, सेफ्टी पर्पज से लेके आप एक चीज देखिएगा, जब भी आप गाड़ी को दोस्तों चलाते हैं, चलाते समय हमारी गाड़ी का जो बैटरी है धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होता है, हमें मालूम चलता है। तो देखिए दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे एक मेनू का स्विच दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, ये व्हाइट कलर का राइट हैंड एक्सीलेटर के नीचे, तो ऊपर जब मैं इसे एक बार प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर ओडोमीटर आ गया, कितना किलोमीटर मेरी गाड़ी टोटल चल चुकी है। सेकेंड बार मैंने प्रेस किया तो यहाँ ट्रिप मीटर आ गया 153.2 किलोमीटर। तीसरी बार मैंने क्लिक किया तो यहाँ एसओसी आ गया, इसका मतलब होता है कि मेरी गाड़ी अभी कितने परसेंट चार्ज है। चौथी बार मैंने क्लिक किया, यहाँ रेंज लिखी आ गई कि मेरी गाड़ी अभी इतनी बैटरी में इतना किलोमीटर और चल जाएगी। तो दोस्तों आप इस चीज का ध्यान रखें, जब भी गाड़ी को चलाएं कोशिश करें कि जैसे ही गाड़ी आपकी 30% एसओसी दिखाने लगे तो अपन को गाड़ी को बैटरी चार्जिंग पर तुरंत लगाएं। उससे फायदा ये मिलेगा हमें, जब मैं जैसी मेरी गाड़ी की बैटरी मिनिमम 30% रह जाएगी और मैं उसे चार्जिंग पे लगा दूंगा, और जैसी मेरी गाड़ी की बैटरी दोस्तों 85+90% हो जाए तो मैं उसे चार्जिंग से डिस्काउंट कर दूंगा, तो उससे क्या ये होता है कि जो मेरी बैटरी की लाइफ होती है दोस्तों बढ़ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जो अपने मोबाइल होते हैं अपन जो यूज करते हैं, उसकी बैटरी जैसी हमारी 20% हो जाती है अपन उसे चार्जिंग पे लगा देते हैं, 20% से नीचे नहीं जाने देते हैं, और जैसी हमारी बैटरी 80-90% हो जाती है अपन चार्जर को निकाल देते हैं। उसका फायदा यह रहता है कि हमारी बैटरी की मोबाइल की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। ये तीन पॉइंट हो गए, पहला मैंने आपको बताया वेल्डिंग से रिलेटेड, सेकंड मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से रिलेटेड, तीसरा मैंने आपको बताया कि बैटरी को हमें चार्जिंग पे किस समय लगाना है। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ कि मेरे को अपनी गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्जिंग पर लगाते समय किस किस चीज का मुझे ध्यान रखना है, और किस तरीके से दोस्तों मुझे स्टार्टिंग से लास्ट तक चार्जिंग पे लगानी है, क्या क्या चीजों को मुझे पहले चालू करना है, उसके बाद क्या काम करना है, वो दोस्तों चौथा पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। तो दोस्तों तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अभी हमारी गाड़ी का एक तो इग्निशन ऑफ होना चाहिए, सबसे पहला काम इग्निशन ऑफ कंडीशन में आप चार्जिंग पे लगाएं। सेकंड नंबर ये मेरी गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है इसे मुझे लगा देना है ऊपर पूरा फुल्ली। हैंड ब्रेक लगाने के बाद ये हमारा जो चार्जर होता है, चार्जर का जो केबल है RCD बोलते हैं इसे, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका ऊपर वाला एक कैप हटाना है। इस तरीके से कैप हटाने के बाद आप सामने देख पा रहे हैं तीन पिन है, ये हमारा चार्जर का जो सॉकेट है RCD केबल का, इसे इस तरीके से प्रेस किया। प्रेस करने के बाद देख लें मैच कर लें स्लॉट बिल्कुल, और पूरा अंदर तक बिल्कुल फुल्ली अंदर तक बैठना चाहिए, पूरा फुल तरीके से, ऐसा नहीं हो कि हाफ बैठा हो। और उसके बाद केबल का ध्यान रखें कहीं टायर वगैरह में नहीं उलझे, किसी जगह उलझे नहीं। उसके बाद दोस्तों हमें इस केबल को RCD का जो हमारा केबल है सामने का जो स्विच बोर्ड का, वो इग्निशन ऑफ होना, बटन बंद होना चाहिए, ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद हमारा ये प्लग हमें इसमें इंसर्ट करना है, प्लग इंसर्ट करने के बाद हमें ऑन करना है। ये हो गया हमारा चार्जर लगाने का प्रोसेस, और जब चार्जर ऑन हो जाएगा आपका चार्जिंग होने लगेगी तो यहाँ ग्रीन कलर की इसमें लाइट शो करने लगेगा क्लस्टर मीटर में भी, और जो अपने RCD केबल पे देखा है या बोर्ड पर यह मालूम चल गया। 10 से 15 सेकंड का इंतजार करें, उसके बाद यहाँ पर देखिए लाइट ब्लिंक करने लगा ग्रीन कलर का, जैसे ही उससे मालूम चल गया हमारी बैटरी का चार्ज होना स्टार्ट हो गया। यहाँ मेनू वाला बटन दबाया तो यहाँ पर देखिए जैसे मोबाइल में आती है हमारी बैटरी चार्ज होती दिखाई देती है, ठीक वैसे ही हमें क्लस्टर मीटर में बैटरी में मालूम चलने लगा कि हमारी बैटरी अभी 95% चार्ज है, और उसे पूरा फुल चार्ज होने में देखिए कितना टाइम है, टाइम भी आता है, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये आ गया मेरा यहाँ पर SOC 95% और यहाँ टाइम 12 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी की बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी। ये सिर्फ मैंने आपको एक दिखाने के पर्पज़ से
95% से भी ऊपर पे लगाकर आपको दिखाया है, जिससे कि आपको मालूम चल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो कमेंट करें, और दोस्तों मुझे बताएं इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आना चाहता हूं। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सेकंड पार्ट लाऊं कि नहीं लाऊं, वीडियो आपको मेरी कैसी लगती है, अच्छी लगती है खराब लगती है, वो भी दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों जिस किसी ने मेरा फुल रिव्यू का वीडियो इलेक्ट्रिक व्हीकल का नहीं देखा हो अपने बजाज का, वो मेरा दोस्तों आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप पूरा फुल रिव्यू भी इस अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का बजाज का देख सकते हैं, वो मैंने उसमें डाला हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।